दोस्तों आज के वीडियो में Redmi Note 7 Pro के कुछ और फीचर्स देखेंगे और इंटरेस्टिंग फीचर्स आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, कुछ वीडियो Redmi Note 7 Pro एंड Redmi Note 7 के, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पर। तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला सेटिंग जाने के लिए आपको ऑफकोर्स सेटिंग्स पर जाना है। यहाँ से तो सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स जाएंगे हम, तो एडिशनल सेटिंग्स इज हियर एंड यहाँ पर हम जाएंगे वन हैंडेड मोड। तो अगर आप बहुत लार्ज डिस्प्ले एंड कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही हाथ से यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल, तो यहाँ से वन हैंडेड मोड को स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच ऑफ है एंड इस चीज़ को हम स्विच ऑन करेंगे। एंड 4.5 इंचेस 4 इंचेस 3.5 इंचेस थ्री ऑप्शंस दिए हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ से ऐसे स्वाइप करूँ तो इंस्टेंटली वो वन हैंडेड मोड पर जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है 3.5 इंचेस, अगर मैं रखना चाहूँ 4 इंचेस तो 4 इंचेस इतना साइज़ रहेगा। तो अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका हाथ कितना बड़ा है, तो कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो 4.5 इंचेस तक आप यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते कि कितना बड़ा स्क्रीन साइज़ चाहिए, तो बेसिकली तीन ऑप्शन दिए है, उससे ही आपको खुश रहना पड़ेगा। तो नॉर्मल मोड जाने के लिए डार्क स्क्रीन पर ऐसे टैप करना है, तो नॉर्मल मोड पर आ गया है। वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो जस्ट आप ऐसे स्वाइप कर सकते हैं एंड यहाँ से वन हैंडेड मोड फॉर लेफ्ट हैंडेड यूज़र। तो ऐसे आप चेंज करके इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड अगला सेटिंग हम देखेंगे बटन एंड जेस्चर। तो बेसिकली अगेन एडिशनल सेटिंग्स पर है एंड यहाँ से बटन्स एंड जेस्चर शॉर्टकट्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है, एक्चुअली ढेर सारे सेटिंग्स है। तो सबसे पहला मैं दिखाऊंगा लॉन्च कैमरा, इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए आप। तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, नन करके रहेगा। अगर आप देखेंगे लॉन्च कैमरा में, तो आप क्या करना है, आपको डबल प्रेस दी पावर बटन इस पर टैप करके रखना है, मतलब कि जहाँ पर भी हूँ स्क्रीन पर, मैं मोबाइल में कुछ भी करता रहूँ या ना करता रहूँ, जस्ट डबल टैप ऐसे पावर बटन को करो तो इंस्टेंटली कैमरा एक्सेस हो जाएगा। तो झट से आप कोई भी पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे यूज़ करके कर सकते हैं। देखिए फिर लॉक स्क्रीन पर हूँ तो इंस्टेंटली कैमरा भी ऑन हो गया। तो ऐसे आप क्विकली अगर कैमरा को ओपन करना चाहते हैं डबल टैप टू पावर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डबल प्रेस दी पावर बटन। तो यहाँ से ज़रूर चेंज करके इस चीज़ को रखिए। तो अगला सेटिंग यहाँ पर देखेंगे एनेबलिंग दी स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पर ओपन स्प्लिट स्क्रीन करके है, इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट नन रहेगा, मतलब कि आप स्प्लिट स्क्रीन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से नहीं, बल्कि यहाँ स्प्लिट स्क्रीन जो है रीसेंट ऐप्स में यहाँ से यूज़ करना पड़ता है, तो इसके वजह से इसको शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस दी बैक बटन। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप रखिए। अभी क्या होगा, बेसिकली देखिए बैक बटन है ना, तो लॉन्ग प्रेस मैं ऐसे करूं तो इंस्टेंटली हम स्प्लिट स्क्रीन पर है, तो दो तीन स्टेप्स सेव हो जाएगा यहाँ पर। तो झट से आप स्प्लिट स्क्रीन जाके अगर कुछ दो तीन काम है तो इंस्टेंटली आप ख़त्म करके फिर नॉर्मल मोड पर जा सकते हैं। तो एग्जिट करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक आइकॉन है, अदरवाइज़ आप यहाँ से एक बार टैप करके ऐसे नीचे लाएंगे तो बिल्कुल हम नॉर्मल मोड पर आ जाएंगे। तो अगला सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले साइज़ को कैसे चेंज करें। तो डिस्प्ले साइज़ को चेंज करने के लिए एक्सेसिबिलिटी में जाना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे है, तो यहाँ से एक्सेसिबिलिटी एंड यहाँ पर जो है डिस्प्ले साइज़। कुछ लोगों को स्मॉल फॉन्ट्स पसंद है, कुछ लोगों को लार्ज फॉन्ट्स चाहिए, तो इवन फॉन्ट्स ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है वो उसमें जो भी यूज़र इंटरफेस है वो सारा चीज़ चेंज कर देगा। अभी अगर मैं स्मॉल रखूं तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए होम स्क्रीन पर जाता हूं तो बेसिकली आइकॉन्स भी यहां पर चेंज हुए एंड वैसे मैसेजेस, ढेर सारा कंटेंट सिर्फ एक ही स्क्रीन पर कवर होगा। अगर कुछ आप ब्राउज़ कर रहे हैं इंटरनेट पर तो बहुत सारे कंटेंट जो है, बहुत सारा मीडिया जो है सिर्फ एक ही स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। तो ऐसे चेंज करने के लिए आप स्मॉल पर रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको छोटा फॉन्ट साइज़ अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल आप जाकर फिर से एक्सेसिबिलिटी में डिस्प्ले साइज़ में आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप लार्ज भी कर सकते हैं या फिर इवन लार्जर भी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही यूज़फुल फीचर है, आप इस चीज़ को ज़रूर चेंज करके अपने पसंद के हिसाब से आप ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगला सेटिंग्स प्राइवेसी में है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तो अभी हम सेटिंग्स एडिशनल सेटिंग्स यहाँ पर प्राइवेसी, अगर कुछ भी कोई भी सेटिंग्स पर आप क्विकली जाना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पर सर्च सेटिंग्स करके है ना, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए जैसे कि प्राइवेसी। तो हम प्राइवेसी पर पहुँचना चाहते हैं तो प्राइवेसी, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एडिशनल सेटिंग्स में है,
तो बिल्कुल हम प्राइवेसी पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो है स्पेशल ऐप एक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं और बोलते भी नहीं कैसे यूज़ करें। तो स्पेशल ऐप एक्सेस में क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐप्स अगर आपका इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जैसे कि यूसेज एक्सेस, कौन से एप्लीकेशन को कैसा यूसेज आपने दिया है, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन बिना बताए आपके कैमरा हो आपके इन्फॉर्मेशन वो यूज़ करते रहते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से देखकर उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइस एडमिन ऐप्स, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं एंड वहाँ पर बाय मिस्टेक अगर आपने परमिशन को यस कर दिया था तो आप यहां से इस चीज़ को चेंज ज़रूर कर सकते हैं। तो कौन से एप्लीकेशन को क्या यूसेज मिला है, देखिए ये सारा चीज़ यहां से आप ज़रूर जान सकते हैं। तो ढेर सारे इसमें ऑप्शंस है, आपको कैसे कौन सा चेंज करना है उसके हिसाब से आप यहां से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इन पिक्चर मोड, कौन से एप्लीकेशन को अलाउड है यहां से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने को जैसा चाहिए वैसा आप चेंज करके कस्टमाइज़ करके अपने मोबाइल को बहुत बढ़िया बनाइए। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे बैटरी बैकअप को आप ज़्यादा बना सकते हैं इस मोबाइल में, तो ज़रूर वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दूसरे वीडियो में और इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ मिलूंगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।